कि नगर पंचायत क्षेत्र में पट्टा तो मिल रहा है, पर पट्टा जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है। डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड नंबर 3, 7, 9 स्थित वन भूमि वार्ड क्रमांक 1, 2, 8, 13, 14, 15 स्थित वन भूमि में निवासरत तथा अन्य वार्डों में जो परिवार वर्षों से निवासरत है, ऐसे परिवार वालों को मांग व आश्वासन के बाद भी आज तक पट्टा नहीं मिला है। ऐसे परिवार वालों को तत्काल पट्टा प्रदान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी डोंगरगांव ने SDM कार्यालय में वार्ड वासियों के साथ पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश गांधी, डोंगरगांव मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, बालकृष्ण सिन्हा, सिद्दीक बडगुजर, रियाजुद्दीन सोलंकी, मनबोधी पटेल, योगेश पटेल, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती अंजु त्रिपाठी, ममता ठाकुर, भाजयुमो अध्यक्ष प्रवेश ठाकुर, गिरजा शंकर उके, कोमल साहू, तिलेंद्र देवांगन, अश्वनी पटौदी, लक्ष्मी नारायण सेन, सौरभ ठाकुर व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव संवाददाता अमर गीर की खास रिपोर्ट। आज का ये जो कार्यक्रम था, लोगों में, डोंगरगांव नगर के लोगों में बहुत ही आक्रोश था, और उसका एकमात्र कारण ये था कि नगर पंचायत क्षेत्र में पट्टा तो मिल रहा है, पर पट्टा जो पैसा दे रहा है उसको मिल रहा है। वैसी स्थिति प्रधानमंत्री आवास की भी है, जो लोग अपना खुद का पैसा लगा बना चुके उनको पैसा नहीं मिल रहा है, और जो ठेकेदार के माध्यम से बनवाए हैं उनको पैसा मिल रहा है, और प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार है, पट्टा वितरण में भ्रष्टाचार है। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ के विधायक ने पूरे डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में जो है सबसे पट्टा के लिए आवेदन भरवाया था, और डॉक्टर मन सिंह से भाजपा सरकार से मांग किया था पट्टा दिया जाए, और नहीं तो हमारी जब सरकार बनेगी तो हम सबको पट्टा देंगे। और यहाँ के विधायक लगातार अपने वादे से मुकर रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को पट्टा नहीं मिल रहा है। यहाँ उनके नुमाइंदे उनके इशारे पर पट्टा पैसा लेकर के दे रहे हैं, और इसलिए हम लोगों ने आज SDM कार्यालय में आकर ज्ञापन दिया है कि सबको मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया है, सबको पट्टा दिया जाए। और जो पूर्व में पट्टे दिए गए हैं उसमें अनेक प्रकार की धांधलियाँ हुई है, किसी पट्टे में किसी का पट्टा पूर्व में बना हुआ रखा था, उसमें सफेदा लगा के दूसरे के नाम से जारी कर दिया गया है। तो पूर्व में जो पट्टे डोंगरगांव नगर पंचायत क्षेत्र में वितरित किए गए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, पब्लिश किया जाए कि किन किन व्यक्तियों को किन किन वार्डों में